दोस्तों, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे तपेदिक भी कहा जाता है, यह एक संभावित गंभीर संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। दोस्तों, टीबी का कारण बनने वाले बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खांसी और छींक के माध्यम से हवा में छोड़ी गई छोटी बूंदों के माध्यम से फैलते हैं। हालांकि टीबी का सही इलाज और सावधानी बरतकर इसे छुटकारा पाया जा सकता है, साथ ही हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। दोस्तों, वेब एमडी के मुताबिक कई बार टीबी होने के बावजूद शरीर में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीमारी का कारण बनने वाले कीटाणु आपके शरीर में आपको बीमार किए बिना रहते हैं। वास्तव में ज्यादातर लोग जो टीबी से संक्रमित होते हैं, वे फैलने से पहले कीटाणुओं से लड़ने में सक्षम होते हैं। डॉक्टर्स इसे अव्यक्त टीबी संक्रमण कहते हैं, लेकिन अगर कीटाणु बहुतायत में होने लगे तो आप टीबी से बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर्स इसे सक्रिय टीबी कहते हैं। दोस्तों, टीबी के लक्षण कुछ इस तरह है। 3 सप्ताह या उससे अधिक समय से खांसी आना, छाती में दर्द, खांसी के साथ खून आना, खांसी के साथ खून और म्यूकस का निकलना, कमजोरी महसूस करना या अत्यधिक थकान, अचानक से वजन का कम होना, ठंड लगना, बुखार, रात में पसीना आना, भूख की कमी। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। टीबी का इलाज किया जा सकता है, वरना ये घातक हो सकता है। टीबी कैसे फैलता है? दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके फेफड़ों में सक्रिय बीमारी है, वह इसे हवा के माध्यम से फैला सकता है। सक्रिय का मतलब है कि आपके शरीर में टीबी के कीटाणु बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जिसे टीबी है, तो ये आपको भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर उन लोगों को सलाह देते हैं जिन्हें सक्रिय टीबी की बीमारी है, वे घर और अन्य लोगों से यथासंभव दूरी बनाए रखें। टीबी को कैसे रोका जा सकता है? दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार बेसिक कफ मैनेजमेंट कर टीबी संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है। अपने टीबी की दवाओं को नियमित रूप से ले और अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार उपचार का पूरा कोर्स कंप्लीट करें। टीबी में क्या करें क्या नहीं? दोस्तों, खांसते और छींकते समय मुंह को ढककर रखें, हाथों को पानी के साथ एंटीबैक्टीरियल साबुन से धोएं। टीबी के मरीज का कमरा ऐसा हो जिसमें हवा और सूर्य की रोशनी आवागमन बना रहेगा। कमरे की खिड़कियां खुली रखें जिससे वेंटिलेशन की दिक्कतें न हो। टीबी के मरीज कभी खुले में न खांसे और न ही थूके। दोस्तों, कफ को इकट्ठा करके उसे मिट्टी के नीचे दबा दे। वॉश बेसिन में भी थूकने से बचे, क्योंकि इससे बैक्टीरिया नहीं मरते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की मदद से अन्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यह वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करना न भूले। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा ले। और दोस्तों, हम जल्दी आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।